वेलकम बैक वंस अगेन, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। जब अमृतसर ही पंजाब का नाम आता है, आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार हम वहाँ के कुलचे, वहाँ के नान, वहाँ के चूर चूर नान स्पेशली खाएंगे, मगर इस वक्त हम ना अमृतसर में ना पंजाब में, हम हैं मुल्तानी डांडा पहाड़गंज में। एग्जैक्टली बीकानेर स्वीट कॉर्नर के बिल्कुल अपोजिट एक बहुत ही फेमस, मशहूर और पुरानी दुकान है चूर चूर नान की, चावला दी मशहूर अमृतसरी स्पेशल चूर चूर नान की दुकान है। ये बहुत ही साल पुरानी दुकान है और यहाँ पे कितनी जनरेशन में ये बिज़नेस चला रहे हैं इसके बारे में पता कर लेते हैं। यहाँ चूर चूर नान के अलावा क्या क्या और चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं स्पेशली। वैसे बहुत क्राउडेड एरिया रहता है यहाँ पे, थोड़ा पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है, बट फिर भी लोग आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट। तो भैया मुलाकात कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ की, इसकी मेकिंग देखेंगे, खाना देखेंगे। लव कुमार नाम है। हाँ, नाम भी बड़ा खूबसूरत नाम है का, लव कुमार, ये बहुत मोहब्बत करते हैं सबसे। अच्छा ये बताइए, ये दुकान कितने साल पुरानी है? ये दुकान कम से कम 38 साल पुराना हो गया है। 38 साल पुरानी है कम से कम? 38 साल पुरानी सिर्फ नान आइटम, सिर्फ नान आइटम का, सिर्फ नाम आई नान बनते हैं। पाँच छः इससे पहले और बट वो आइसक्रीम का दुकान था, लेकिन नान का 38 साल हो गया। अच्छा, कौन चलाता है इसको दुकान? ये दुकान पे हमारा मालिक है, जो उस दुकान में अगली एक और ब्रांच है। अच्छा, जो आगे है। अच्छा, हम सब ब्रांच भी हैं। हाँ जी, अगली एक और ब्रांच है हमारे। अच्छा, हम सब मिलकर चलाते हैं। अच्छा, ओके, तो वहाँ पे सिटिंग ब्रांच, वहाँ पे वो बैठते हैं, आप यहाँ पे संभालते हो? हाँ जी। अच्छा, जो टाइमिंग क्या है यहाँ की? टाइमिंग 9:30 से 10:30 बजे तक, सुबह 9:30 से रात के 10:30 बजे तक। कभी कभी 11 बज जाते हैं। हाँ जी, किसी दिन बंद रहता है? बंद नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब जो आपको अगर पंजाब जाना पड़ता है अमृतसरी कुलचे खाने के लिए, नान खाने के लिए, पर अब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्तानी डांडा पे पहाड़गंज में बहुत ही फेमस और बड़ी साल पुरानी दुकान है, यहाँ पर आपको वही जायका, वही स्वाद मिलने वाला है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, कुछ हैंडसम पर्सनैलिटीज़ हैं, जो यहाँ पर दूर से आए हैं और यहाँ के चूर चूर नान खाए के मज़े ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दें भाई। बलबीर दायमा। अच्छा बलबीर जी, कहाँ से आए हैं? भिवाड़ी राजस्थान। अच्छा भिवाड़ी राजस्थान से, मतलब ये चूर चूर नान खाने? जी। क्या बात है, वैसे तो ये लुक वाइज तो पूरे नेता लग रहे हैं, बाय प्रोफेशन मुझे ऐसा लग रहा है आप भी पॉलिटिशियन है। हाँ पॉलिटिशियन है, मतलब यहाँ पर नान खाने आए। तो आप ही कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरा ये 3rd टाइम है, मेरा फ्रेंड है प्रदीप जी। अच्छा अच्छा, ये यही रहते हैं पहाड़गंज में। अच्छा, तो मैं जब भी इनसे मिलने आता हूँ तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। यहाँ ज़रूर आते हैं जी, इतने पसंद आते हैं आपको यहाँ के? कौन से नान खाते हैं आप यहाँ? यहाँ पे मैं अक्सर आलू प्याज वाला नान खाता हूँ। अच्छा, और नंबर देने हो 10 में से कितने देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। अब जब नेताजी ने मोहर लगा दी तो आप समझ सकते हैं, मतलब हिट है। आप आएँ, खाएँ और हमें खा के ज़रूर बताएँ। खुले आसमान के नीचे खाने का मज़ा ही अलग होता है, और इस वक्त ये देसी खाना, देसी तरीके से, देसी स्टाइल में हम खाने वाले आलू नान का ये चूर चूर नान है, और नीचे है पनीर का। तो मैं आपको दिखा दूँ इसकी स्टफिंग। चूर चूर नान वैसे ही पूरा अच्छे से टूटा होता है, तो आप स्टफिंग देख सकते हो, गर्म बहुत है। तो ये इसकी स्टफिंग है। ओहो हो, ये इसके साथ है दाल मखनी, ये पहले ये बूंदी का रायता, अच्छी खासी थिकनेस, वेरी गुड। ये है दाल मखनी, ये छोले और प्याज,
और उसके साथ गाजर की हल्के से चॉप किया हुआ और उसकी टॉपिंग। अब मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ, आलू प्याज का नान है ये और बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे से पकड़ रहा है। मैं दाल मखनी से इसको टेस्ट करके बताता हूँ। रियलिटी ये है कि ज़रूरत नहीं है हमें दाल की या छोलों की, इसमें खुद में इतना टेस्ट होता है। इस नान में अगर आप रुके भी खाना चाहेंगे तो खा सकते हैं अलॉन्ग विद दिस रायता। डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं ये पनीर का, आप स्टफिंग देखो पनीर की, तो नीचे बहुत ही ज़्यादा पनीर आपको दिख रहा होगा। मैं इसको छोले से ट्राई करूँगा इस नान को। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है पनीर का, जैसे मैंने बताया इनकी मुझे ज़रूरत नहीं, बट यस अगर आपको एडिशनल एड ऑन करके खाना है इनके साथ टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस नान में खुद में इतना टेस्ट होता है। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत टेस्टी हैं, जो मसाले हैं और बाकी चीज़ें हैं इसमें इन्होंने मिला रखी हैं। जैसे आप पंजाब अमृतसर जाते हैं तो वहाँ पर जो वो कहते हैं ना कि आलू दे पराठे और पनीर दा पराठा, इस तरीके से ये नान है, आलू प्याज दा नान है और पनीर दा नान है। इसको मैं दाल मखनी के साथ ट्राई कर ले रहा हूँ। अमेजिंग, वर्थ है। तो मैंने जो ऑर्डर किया वो आलू प्याज और पनीर का नान ऑर्डर किया था, तो ये थाली जो इस वक्त आपके सामने है इसकी प्राइसिंग है 140। बहुत रीज़नेबल है, बहुत अच्छी और कॉम्पैक्ट है, खाने में बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट एक बंदे के लिए तो भरपूर है, सफिशिएंट है इतने पैसों में इतना खाना। और यहाँ पर और भी वैरायटी ऑफ नान अवेलेबल है, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके हिसाब से रेट वेरी करते हैं, हल्का सा 10-20 रुपये ऊपर या नीचे, ज़्यादा डिफर नहीं है। बाकी टेस्ट के बारे में बात करूँ तो बहुत ही उमदा लाजवाब है। सो गाइस नाउ लेट मी एंजॉय एंड हैव दिस नान। आप यहाँ ज़रूर आना, खा के बताना कैसा लगा आपको यहाँ का खाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।